हाजिर हूँ एक बार फिर आपके आपके साथ एक बार एक और नई वीडियो के साथ। बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर कुछ वीडियोस भी अपलोड करी। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स मिल गए मुझे, बहुत अच्छे लोगों ने मुझे कमेंट किए, मतलब करेक्ट किया। आपकी फ्यूचर में भी इसी तरीके की मुझे ख्वाहिश रहेगी कि आप मुझे इसी तरह करेज करते रहेंगे और आगे पढ़ने का मौका देंगे। इसी तरह अब बात करते हैं टॉपिक की, एग्जाम्पल 3.2। बेसिकली ये वो एग्जाम्पल है जो कि पेपर्स में बहुत बार पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। फर्क क्या है? फर्क यह है सिर्फ इतना था कि ये वो एग्जाम्पल है कि इसको एग्जाम में जब मैं खुद भी था, मैंने खुद भी ये सवाल, मेरी बारी में भी सवाल बोर्ड एग्जाम्स में आया था, और ये सवाल सिर्फ एक बार नहीं बल्कि काफी बार आता है और लोग पूछते हैं। तो एग्जाम्पल है, मैं पहले इसको रीड करूंगा, देन उसके बाद इसका सोल्यूशन सामने बोर्ड पे करूंगा। तो एग्जाम्पल है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, मतलब रुकी हुई थी, एंड मूव विद अ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, और मूव होने लगी कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन से। ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, अपने हरकत के पांचवे सेकेंड में, उसने ये नहीं बोला द फिफ्थ सेकेंड ऑफ द मोशन, उसने बोला ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, मतलब कि अपनी हरकत के पांचवे सेकेंड में इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 36 meters। उसने अपनी हरकत के पांचवे सेकेंड में 36 meters फासला कवर किया। देन बोलता है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, कार का एक्सेलरेशन आपको मालूम करना है, एंड देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टर्न, मतलब के उस कार ने इस पूरे टाइम में कितना फासला कवर किया होगा। सही है भाई? तो ये बेसिकली हमारा सवाल था। अब वही बात आती है, फिर एक डायग्राम बनाऊंगा, कंडीशन बनाऊंगा, देन आपको सॉल्व आउट करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं इस पूरे सवाल की डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। तो एक बार फिर उसने बोला अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जस्ट सपोज एक कार थी, ये हमारी एक कार है, ये रेस्ट से स्टार्ट हुई। रेस्ट मीन इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि रुकी हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी इस पॉइंट पे। सही है? फिर बोला एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करने लगी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। लेकिन हमें वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन बताया नहीं है। अब बोला ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इट कवर डिस्टेंस ऑफ 36 meters। बोला अपनी हरकत के पांचवे सेकेंड में, पांच सेकेंड में नहीं, एक बार फिर बता रहा हूँ, पांचवे सेकेंड में उसने इट कवर 36 meters, उसने 36 meters का फासला कवर किया। मतलब कि जस्ट सपोज वो यहां से चलना शुरू गई, पहला मिनट हो गया, दूसरा मिनट हो गया, तीसरा मिनट हुआ, चौथा मिनट हुआ, और ये हमारा पांचवा मिनट हो गया। मतलब के कह सकते हैं ये हमारा जो है फिफ्थ सेकेंड है। सही है? मतलब कि पांचवा सेकेंड है। तो क्या फिफ्थ सेकेंड? उसने बोला उसने अपनी हरकत के पांचवे सेकेंड में 36 meters का फासला कवर किया। मतलब के यहां से यहां तक का फासला 36 meters है। उसने ये नहीं बोला पांच सेकंड में कवर किया, उसने ये बोला कि पांचवे सेकंड में 36 meters फासला कवर किया। सही है? तो बोला उसने बोला सवाल के अंदर द एक्सीलरेशन, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द कार, इस कार का एक्सीलरेशन निकालो, और देन फिर आखिर में बोलता है हमें द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ड्यूरिंग दिस टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालना है इस कार का इस पूरे टाइम में, मतलब के यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है हमें, टोटल एस जी टोटल निकालना है, और ये हमारे पास कौन सा डिस्टेंस होगा एस फाइव। इट मीन पांचवे सेकंड में किया हुआ फासला, तय किया हुआ फासला। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड है। बेसिकली अगर हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी मालूम करना होगा, जिसे हम बोल देंगे एस डैश। एस डैश मतलब
जीरो से लेकर चौथ मतलब के जीरो से लेकर चौथे सेकंड तक जो भी फासला कवर किया है उसको अगर मैं ऐड करवा दूंगा पांचवे सेकंड के फासले में तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब अगर मैं सवाल देखूं तो उसके हिसाब से जो कंडीशन बनती है मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 मीटर पर सेकंड है क्योंकि हमने जानते कहा जो है वो रेस स्टार्ट हुई थी। एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। अब हम जानते हैं हमारे पास S5 गिवन है, इट मीन द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन फिफ्थ सेकेंड इज 36 मीटर्स। अब हमें टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। एक और बात, जब तक S डैश मालूम नहीं होगा हम S की नहीं निकाल सकते। तो अगर मैं गौर से इस पूरी तस्वीर को देखो, इस पूरी पिक्चर को देखो, तो मुझे इस फिगर से एक बात ये पता चलती है कि अगर मैं S डैश प्लस S5 को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास एस टी बनेगा, ये बनेगा, ये करने की हमारी कंडीशन। तो मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बनी हमारे पास, यही कंडीशन हमारे पास कि S डैश प्लस S5 इज इक्वल टू ST। ये हमारे पास बेसिकली कंडीशन बनी है। जब तक हमें ये दोनों फाइंड आउट नहीं होंगे हम एस टी नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, S5 तो हमें गिवन है, S5 कितना गिवन है 36, तो हम क्या S5 का क्या पुट कर देंगे 36 इज इक्वल टू ST। अब S डैश निकालना है, S डैश कौन सा टाइम है, यहां से यहां तक का टाइम है। मेरी बात अगर आप गौर से सुने तो ये टाइम ये डिस्टेंस 4 सेकंड का है और ये ST 5 सेकंड का है, तो दोनों को एक एक बार दो इक्वेशन बना के पुट कर देते हैं ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं S डैश, अब S डैश के लिए हम जानते हैं टाइम कितना होगा, हम जानते हैं ये पांचवा सेकंड है तो पांचवे सेकंड से पहले कितने सेकंड गुजरे होंगे 4 सेकंड, तो S डैश के लिए टाइम कितना होगा हमारे पास 4 सेकंड, तो यहां पे हमारे पास टाइम कितना होगा 4 सेकंड। अब ये बात कहीं नहीं लिखी थी इस ना सवाल में ना कहीं पे, ये तो सही इस टाइम जो है हम लोगों ने इस फिगर से निकाला है कि अगर 5 सेकंड से पहले पांचवे सेकंड से पहले जो टाइम होगा वो ऑब्वियसली 4 सेकंड होगा, इसमें हमने S डैश डिस्टेंस कवर किया है, तो ये हमें कहीं गिवन नहीं थी, हम लोगों ने इस डायग्राम से एक्सट्रैक्ट किया है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे S डैश का फॉर्मूला क्या लगेगा, S डैश का फॉर्मूला हम जानते हैं लगेगा BIT प्लस द हाफ AT2। इनिशियल वेलोसिटी हम जानते हैं 0 है, तो ये पूरा फैक्टर गया 0। S डैश इज इक्वल टू 1/2 A, नहीं बता ऐसे ही रहा। टाइम कितना गिवन था 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब S डैश इज इक्वल टू 1/2 4 का स्क्वायर 16 और A ऐसे ही रहा 2 1 2 8, तो S डैश आ गया हमारे पास 8A। अब एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, इसी तरह हम लोग एक और इक्वेशन डेवलप करेंगे ST के लिए, फॉर ST। फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग। अच्छा, इसके लिए टाइम क्या होगा, ST के लिए हम जानते हैं पूरे 5 सेकंड होंगे, तो उसके लिए टाइम कितना होगा। अब टाइम 5 सेकंड है तो ST इज इक्वल टू VIT प्लस द हाफ AT2,
देन एस टी इज इक्वल टू ये पूरा जीरो हो गया, देन वन अपॉन टू ऐसे ही रहा, क्योंकि एज इट इज लिखेंगे ए, ए हम जानते नहीं पता, यहाँ पे आ जाएगा 25 क्योंकि 5 है टाइम 5 द स्क्वायर 25 और इसको बदी सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 212.5 का, तो ये रहेगा 12.5 ए, क्योंकि ए ऐसे अलर्ट था। अब हम क्या इस कंडीशन में पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी हमारे पास बेसिकली एस डैश प्लस 36 इज इक्वल टू एस टी। अब एस डैश हमारे पास कितना है, एस डैश हमारे पास आया था 8a प्लस 36 एज इट इज, देन एस टी हम जानते हैं एस टी हमारे पास है 12.5a, इसको सॉल्व करेंगे 36 ए पी जगह पे रहा 12.5a माइनस ऑफ 8a यहाँ बच जाएगा 4.5a 36। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से तो 36 डिवाइड बाय 4.5 तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ गया है, एक्सीलरेशन आ गया है। अब एक्सीलरेशन आ गया है, अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके अपनी मेन चीज निकाल सकते हैं। हमें क्या निकाला था, टोटल टाइम, टोटल टाइम एस टी है तो एस टी में यहाँ पे हम लोग 8 पुट कर देंगे तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 8 पुट कर दिया देन यहाँ पर जो आंसर आया है वह है 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड इज इक्वल टू 100। 100 मीटर टोटल फासला कवर होगा, किया होगा इस कार्ड ने इस पूरे इंटरवल में। तो ये था हमारा क्वेश्चन, सॉरी एग्जांपल 3.2, और आपको मजीद क्वेश्चन मिलते रहेंगे इसी तरह। बी के लिए थैंक यू।